भाई जान तुम हम एक ही प्लेट में खाएंगे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तेरे घर के सामने फकीर है, बड़ा एक एकड़ 1800 का फकीर है, मुसलमान का मंदिर में मैं रोज जाके बैठता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं सोता हूँ वहाँ पे, क्या फर्क, उन्होंने मेरे घर में आके खाते, क्या फर्क पड़ रहा है। तो बीजेपी वाले तो नाराज हो जाएंगे। अरे हो जाए नेहरू जी भाई, हमारे को मिल बिट के रहने का है, उनको लेके क्या करने का, इतने साल तक उन्हें बाहर है, देखा पाप उनको सोच के मुसलमान 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 बोल के उनको बाहर निकाल रहे, सब उगल के रख रहे, उन्हें क्या करते, इतने दिन में क्या करे, पहले हिंदू मुसलमान ऐसे थे, पहले करे उन्हें 2014 से पहले हिंदू मुसलमान ऐसे थे, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आया हमको ऐसा कर दिया, राहुल गांधी फिर ये करने के लिए आए, राहुल गांधी हम ये कहते हैं, ये मोदी आके क्या किए, कुछ नहीं किए, कुछ भी फायदा नहीं होगा हमारा से, उनके हाथ से कुछ फायदा नहीं होगा हमें, कुछ भी नहीं। एक उन्होंने बोला था आते टाइम पे थोड़ा जेब में पैसा बचे क्या, नहीं बचे, अब तो बता रहा हूँ गैस सिलेंडर, घर में चूल्हा भी नहीं जला रहे लोग, घर में हमारे माँ बाप गैस आए तो गैस 1100-1200 देना, लेके आना कहाँ से लेके आना, उनका तो घर नहीं है, उनके भाई नहीं है, बहन नहीं है, कौन कौन है, हमारे घर में तीन तीन बहन है, उनको तीन तीन चार चार बच्चे है, कैसे पलना हमारे घर में, पहले हमारे अब्बा अकेले करते थे, घर संभालते थे 10 साल के पीछे, अब हमारे भाई मेरा भाई मैं हमारा बाप तीनों जन करे तो भी घर में पैसा नहीं बच रहा, कहाँ से लाना पैसे, इतना महंगाई बढ़ा दी इसने मोदी आके, उसका क्या जरूरत है यहाँ पे पैसा जमा करके, वो क्या ले रहा, क्या कर रहा पैसा लेके, क्या लग रहा है 2024 में राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी आएंगे, लिख के लो राहुल जी आएंगे, कर्नाटक स्टेट में सिद्धरमैया आएंगे, सिद्धरमैया आएंगे। सिद्धरमैया जी के बात छोड़िए, अभी ये बताइए कि बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि यात्रा में सब लोग पैसा पाए, वो फालतू है भाई, वो बीजेपी का काम है, बीजेपी का ओनली फालतू काम।